पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला। जीवन एक प्रार्थना है, लाइफ इज अ प्रेयर, है ना। हैव फेथ इन द ऑलमाइटी गॉड, विश्वास होना चाहिए उस ईश्वर पर, करेक्ट। एक बार एक माउंटेनियर था जिसको माउंटेन्स क्लाइंब करना बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे वो ऊंची पढ़ाई को कवर करना है। और सुबह से निकले और धीरे धीरे वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। दोपहर हो गई, शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, लेकिन वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे। लेकिन लक्ष्य बहुत क्लियर था कि मुझे चढ़ते जाना है। कुछ समय के बाद चारों तरफ कोहरा हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अपनी मंजिल की तरफ चढ़ते गए, लेकिन कुछ समय के बाद इतना अंधेरा हो गया कि वो स्लिप हो गए। और अक्सर करके जो माउंटेनर्स होते हैं ना, वो एक बेल्ट बांध के रखते हैं और कहीं ना कहीं फंसा के रखते हैं फॉर देयर ओन सेफ्टी। और जैसे ही वो स्लिप हुए तो ये माउंटेनर एकदम नीचे उतरे, क्योंकि वो उन्होंने अपना बेल्ट कहीं फंसा के रखा था, तो पेंडुलम की तरह झूलने लगे। अब उनको सब जगह अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बस एक ही उनको याद आई और वो है ईश्वर की। मेरे लिए उन्होंने ईश्वर को पुकारा, ओ गॉड प्लीज कम एंड हेल्प मी। तो उनको ईश्वर की आकाशवाणी सुनाई दी, अच्छा आपको बचना है? उसने कहा, यस भगवान, इसलिए तो मैं आपको बुला रहा हूँ। तो फिर ईश्वर ने उनसे पूछा, क्या आपको मेरे पर पूरा विश्वास है क्या? मतलब भगवान आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछो, आई हैव गॉट टोटल फेथ इन यू, प्लीज मुझे बचाओ। तो फिर उसको ईश्वर की आवाज सुनाई दी, मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप करोगे क्या? तो माउंटेनर ने कहा, भगवान इसलिए तो मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करने वाला हूँ। तो फिर उनको एक आवाज सुनाई दी, एक काम करो, आपने जो ये बेल्ट बांधा है ना, उस बेल्ट को उतार दो। बोला, माय गॉड ईश्वर आप ये क्या कहते हो? तो बोला, बचना है तो करो। उसने कहा, पता नहीं ये कौन कह रहा है। और दूसरे दिन जब गांव वाले वहां से गुजरे तो क्या देखा, दिस माउंटेनियर इज फ्रोजन टू डेथ अराउंड 30 feet अहेड फ्रॉम द ग्राउंड। बस थोड़ी ऊंचाई में इज फ्रोजन टू डेथ, मतलब अगर उसको ईश्वर पर पूरा विश्वास था, अगर वो खोलते थे तो वो आराम से जमीन पर आ जाते थे। कैन आई हैव अनकंडीशनल फेथ इन द ऑलमाइटी गॉड। इसे एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि अगर भगवान आपको एक माउंटेन के ऊपर लेकर जाते हैं और भगवान कहते हैं छलांग मारो, अनकंडीशनली जंप इट, क्योंकि अगर आप अनकंडीशनली जंप करते हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो भगवान आपको अपने गोद में समा लेंगे, नहीं तो आपको वो उड़ना सिखा देंगे। Either two of the thing is going to happen, but this is only possible when I have got unconditional faith in the Almighty God. अब भगवान हमसे चाहते क्या? जिसको कहा जाता है श्रीमत। तीन प्रकार के मत होते हैं, एक होता मनमत, दूसरा होता परमत और तीसरा होता श्रीमत। अक्सर करके हम अपना जीवन इधर उधर कैसे भटका देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मनमत पर या परमत पर चलते हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि बच्चे, अगर हमें रियली जीवन के उद्देश्य को हासिल करना है तो प्लीज मेरी श्रीमत पर चलो। और भगवान का एक बहुत सुंदर श्रीमत है कि बच्चे अपने जीवन को पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ और स्वच्छ बनाओ। वी हैव टू कीप आवर लाइफ वेरी वेरी प्योर। ईश्वर एक श्रीमत देते हैं कि बच्चे दुआएं दो और दुआएं लो, दैट शुड बी अ पर्पस ऑफ लाइफ। ईश्वर श्रीमत देते हैं कि सबको सुख दो और सुख लो। आगे कंटिन्यू करते हैं, ना दुख दो ना दुख लो। काफी बार हम दुख देते तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, दुख ले लेते हैं। तो दैट इज अ श्रीमत ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, है ना। इसलिए हमें भगवान की उस श्रीमत पर चलना है, दैट इज अवर पर्पस ऑफ लाइफ। सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता